नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत प्रधान। एसीएफ फॉरेस्ट टीचर के प्रति छात्रों के बढ़ते उत्साह ने निश्चित तौर पे हमें प्रेरित किया है। दोस्तों, हमारी वेबसाइट पर 21 जून को काफी अधिक संख्या में छात्रों के रजिस्ट्रेशन के कारण छात्रों की लगातार मांग को देखते हुए कुछ नए प्रावधान किए जा रहे हैं। दोस्तों, एसीएफ का यह कोर्स अब 3000 की फीस पे 25 जून तक उपलब्ध होगा, किंतु इसके लिए आपको 22 और 23 जून को हमारी वेबसाइट पर आकर निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करना होगा। 23 जून के बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको यह कोर्स 3500 पर ही उपलब्ध होगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूँ आकाश सिंह। आज इस वीडियो पर हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जो कि आधारित है राज्य की आय, राज्य आय अर्थात स्टेट इनकम। इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जो कि आधारित था चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पर। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दोनों चैप्टर को ज़रूर कवर कर लें, जिससे आप मेरे पैटर्न और फ्लो को समझ पाएंगे। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, और सबसे पहला सवाल यह है कि राज्य की आय या फिर स्टेट इनकम का अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है इसका। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि स्टेट इनकम से आप क्या समझते हैं और इसे जानना ज़रूरी क्यों है या फिर महत्वपूर्ण क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से, और सबसे पहले स्लाइड पर हमारे सामने एक हेडिंग आता है और हेडिंग लिखा हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान वर्ष 2019-20। तो सबसे पहले इस हेडिंग को समझ लेते हैं कि इसमें जो शब्द लिखे हुए हैं उस शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, जीडीपी या फिर सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, तो किसी भी एक निश्चित समय अवधि पर किसी एक भौगोलिक क्षेत्र पर एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री पर जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी टोटल मनी वैल्यू को हम उस भौगोलिक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और अगर ये भौगोलिक क्षेत्र विश्व का है तो आप उसे विश्व की जीडीपी कहेंगे, और अगर ये भौगोलिक क्षेत्र देश का है तो आप उसे राष्ट्र या देश की जीडीपी कहेंगे, और अगर ये भौगोलिक क्षेत्र राज्य का है तो आप उसे राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। और बहुत ही अच्छे शब्दों में इसे सजा दिया जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहेंगे, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। अब इसके आगे कुछ और आपको शब्द देखने को मिल रहा है, और ये शब्द आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अग्रिम अनुमान लिखा हुआ है। इस अग्रिम अनुमान का अर्थ क्या है? देखिए, अग्रिम अनुमान अर्थात एडवांस एस्टिमेट, और एडवांस एस्टिमेट 2019-20 लिखा हुआ है। इसका ये अर्थ है कि जब 19-20 की अवधि चल रही थी तो 19-20 के अवधि पर जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ था, इस आंकड़ों को निकालने तक हमें अंतिम वैल्यू अभी तक पूरे साल भर का नहीं मिला हुआ था। मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि 2019 का साल चल रहा है और आप दिसंबर माह पर बैठे हैं, अर्थात उस पूरे वित्तीय वर्ष का 9 महीना आपने गुजार लिया, और दिसंबर माह पर बैठकर आप सारे वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ लिए, लेकिन अभी भी इस वित्तीय वर्ष को समाप्त होने में 3 महीना बच गया है। तो आप 9 महीने के आधार पर ये अनुमान निकाल सकते हैं कि अगर 9 महीने में इतनी मनी वैल्यू हुई है वस्तु और सेवाओं की, तो आगामी 3 महीने में और एक्स्ट्रा इतनी वैल्यू इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, तो लगभग लगभग इतनी जीडीपी वैल्यू आने वाली है। तो ये जो लगभग लगभग जीडीपी वैल्यू का आपने अनुमान लगाया, उसे आप अनुमान या एस्टिमेट कह रहे हैं, और वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले ही आपने अनुमान लगा दिया, इसलिए आप इसे एडवांस एस्टिमेट कह रहे हैं या फिर अग्रिम अनुमान कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं या फिर ये जो लाइन लिखी हुई है, इसका अर्थ ये है कि 2019-20 के वित्तीय वर्ष के लिए जितने भी मौद्रिक मूल्य हम निकाले थे वस्तु और सेवाओं का, उसका एडवांस में एस्टिमेट कितना किया गया था, उस पर आधारित आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर 3 पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो फैक्ट यहाँ पर दिया गया है वो क्या है। तो इस इमेज पर अगर आप नज़र डालें तो इस इमेज पर आपको 3 कॉलम बने हुए दिखे होंगे मेजरली। तो इस 3 कॉलम में सबसे पहले आपको वर्ष देखने को मिल रहा होगा, और वर्ष यहाँ पर लिखा हुआ है 2019-20 का अग्रिम अनुमान, और उसके बाद आपको 2 यहाँ पर मूल्य दिख रहे होंगे, प्रचलित भाव और स्थिर मूल्य। तो अगला जो प्रश्न है आपके लिए, जिसे आप कमेंट सेक्शन पर बताएंगे कि प्रचलित भाव और स्थिर भाव का अर्थ क्या है, इसे समझने के लिए आप आई बटन पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको प्रचलित भाव और स्थिर भाव की अवधारणाओं पर आधारित वीडियो मेरे द्वारा आपको मिल जाएगा। तो आप उसे देखकर भी इन दोनों के मध्य अंतर समझ सकते हैं, और समझने के बाद फिर आपने क्या समझा है ये कमेंट सेक्शन पर आप मुझे बताएंगे, जो कि आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, यहाँ पर 2 प्रकार के मौद्रिक मूल्य दिख रहे हैं, प्रचलित भाव और स्थिर भाव। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रचलित भाव पर मुद्रास्फीति के सारे जो प्रभाव होते हैं उसे सम्मिलित किया जाता है, लेकिन स्थिर भाव पर हम
मुद्रा स्फीति को सम्मिलित नहीं करते और एक आधार वर्ष लेते हैं जिसके आधार पर हम मौद्रिक मूल्य निकालते हैं वर्तमान वर्ष का। और अभी यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं, आधार वर्ष अभी है वर्तमान में वर्ष 2011-12। आगामी कुछ वर्षों पर ऐसी पूरी संभावना है कि आधार वर्ष 2017-18 में भी तब्दील हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या मूल्य दिया हुआ है तो ज़रा देखते हैं। तो प्रचलित भाव पर अगर आप नज़र डालें तो मूल्य आपको दिखेगा 3.29 लाख करोड़ रुपये, और जो प्रतिशत वृद्धि हुई है प्रचलित भाव पर वह है 8.26%। इसका मतलब ये है कि जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ था पिछले साल अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 में, उसकी तुलना पर 2019-20 में 8.26% अन्य वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हुआ है। और वहीं अगर आप स्थिर भाव पर ये मौद्रिक मूल्य देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि 2.43 लाख करोड़ रुपए मौद्रिक मूल्य आपको दिखता है स्थिर भाव पर, और प्रतिशत वृद्धि हमें देखने को मिल रही है 5.32%। ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका मौद्रिक मूल्य भी और इनका प्रतिशत वृद्धि भी। इस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो अगर उस पर नज़र डालें तो आपको ये प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। प्रश्न कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान वर्ष 2019-20 प्रचलित भाव में वृद्धि दर अनुमानित है, वृद्धि दर पूछा गया है। तो अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन के रूप में 8.26%, ऑप्शन बी 5.32%, ऑप्शन सी 6.62% और ऑप्शन डी 4.94%, ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं। और इसके पिछले स्लाइड पर जो हमने जानकारी देगी उस जानकारी के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि 5.32% नहीं है, वो स्थिर भाव का प्रतिशत वृद्धि है, और प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि हमें 8.26% देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से हमें सही ऑप्शन के तौर पर मिलता है ऑप्शन ए। ठीक इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है स्थिर भाव के प्रतिशत वृद्धि पर। तो जब स्थिर भाव के प्रतिशत वृद्धि पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तब आप ऑप्शन बी को सही आंसर चूज करेंगे। लेकिन बताने का अर्थ यह है कि जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो प्रश्न में जो पूछा गया है उस पर आप नज़र डालें, थोड़ा अपने ध्यान को केंद्रित करें कि प्रचलित भाव पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है या स्थिर भाव पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद ही आप जब कंफर्म हो जाएं उसके बाद ही आप सही आंसर का चुनाव करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं GSDP क्षेत्रवार अनुमान स्थिर भाव पर। तो वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है जब हम उसे सप्लाई साइड से देखते हैं अर्थात उत्पादन के तरफ से देखते हैं तब हम इसे मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसे आप जनरल वेपर कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं, एक होता है उद्योग क्षेत्र जिसे आप जनरल वेपर द्वितीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, और एक होता है तृतीयक क्षेत्र जिसे आप सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो अब GSDP की जो आपने कुल मौद्रिक मूल्य देखी उस कुल मौद्रिक मूल्य में प्राथमिक क्षेत्र का कितना है, उद्योग क्षेत्र का कितना मौद्रिक मूल्य है और ठीक उसी प्रकार सेवा क्षेत्र का कितना मौद्रिक मूल्य है उस पर आधारित प्रश्न और जानकारी अब हम देखने वाले हैं। तो आपके सामने ये इमेज आ रहा होगा और आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्षेत्रवार अनुमान, लेकिन ये दिया गया है स्थिर भाव पर। तो हम स्थिर भाव पर आधारित ये देख रहे हैं। आपको सबसे लास्ट वाला कॉलम ही यहाँ पर पढ़ना है, सबसे लास्ट कॉलम सबसे लेटेस्ट है, इसलिए इस लास्ट कॉलम पर आपको सबसे पहले नज़र डालना है, और बाकी अगर किसी चीज़ पर नज़र डालनी भी होगी तो वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस लास्ट कॉलम पर आधारित ये प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न हमारे सामने आता है कि 19-20 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम उपलब्ध प्रवृत्तियों एवं सूचकांकों पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, सत्य कथन का चयन करें। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप नज़र लगा कर देखें कि सत्य कथन के बारे में कहा जा रहा है कि असत्य कथन के बारे में कहा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन क्या मिला हुआ है हमें। तो ऑप्शन ए कहता है कि स्थिर भाव में सर्वाधिक क्षेत्रवार अनुमान उद्योग समूह का है। चलिए पहले हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद सही उत्तर की खोज पर इस इमेज पर नज़र डालेंगे। ऑप्शन बी कहता है कि स्थिर भाव में सर्वाधिक क्षेत्रवार अनुमान कृषि समूह का है, और ऑप्शन सी कहता है कि स्थिर भाव में सर्वाधिक क्षेत्रवार अनुमान सेवा समूह का है।
और ऑप्शन डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन तो यहाँ पर वैलिड होता ही नहीं, क्योंकि तीन आपके सामने यहाँ पर समूह दिख रहे हैं, तीनों में से कोई ना कोई तो सर्वाधिक होगा ज़रूर। तो चलिए लास्ट कॉलम पर अगर हम नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है कि ये जो उद्योग क्षेत्र है, इस उद्योग क्षेत्र की कुल मौद्रिक मूल्य हमें 1,06,00,000 के आसपास की राशि दिख रही है, और जो कि सबसे ज़्यादा दिख रहा है कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र की तुलना में। तो ये उद्योग क्षेत्र आपका सही ऑप्शन बन जाता है, और इस तौर पर आप सही ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए कि स्थिर भाव में सर्वाधिक क्षेत्रवार अनुमान उद्योग समूह का है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी देखते हैं, और अगली कहानी आधारित है क्षेत्रवार अनुमान पर भी, लेकिन ये आधारित होगा इस इमेज अर्थात इस बिल्डिंग वाले इमेज पर, जिसे आप बार ग्राफ भी कहते हैं। आपके सामने यहाँ पर बार ग्राफ बने हुए हैं वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक, अलग अलग समूह की यहाँ पर भागीदारी भी आपको दिख रही है। अब इस पर किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, तो प्रश्नों के साथ इस इमेज को ख़त्म करते हैं। प्रश्न कहता है कि स्थिर भाव में विगत 5 वर्षों से, ये अगला ट्रेंड आया जहां पर वर्ष दे दिया जाता है, 5 वर्षों से जीएसडीपी के क्षेत्रवार अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो 5 वर्षों के आधार पर ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है प्रवृत्तियों पर आधारित। तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि कृषि क्षेत्र की प्रवृत्ति उतार चढ़ाव की रही है, पहले बाकी कथन भी देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दूसरा कहता है कि उद्योग क्षेत्र की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ने की रही है, और कथन तीन कहता है कि सेवा क्षेत्र की प्रवृत्ति उतार चढ़ाव की रही है। कूट रूपी ऑप्शन हमारे सामने ये है कि केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही, और ऑप्शन सी 1 और 3 सही, और ऑप्शन डी 1, 2, 3 सही। तो चलिए सेवा क्षेत्र की प्रवृत्ति उतार चढ़ाव की रही है कि नहीं रही है उसकी हम जांच कर ले 5 वर्षों से। तो हमें सेवा क्षेत्र दिख रहा है ग्रीन कलर के इस इमेज पर, ग्रीन कलर की इस बिल्डिंग पर। तो अगर आप देखें 2014-15 पर, उससे कुछ बढ़ा हुआ है 2015-16 पर, और फिर उसके बाद बढ़ता हुआ दिखा है 2016-17 पर, 17-18 पर फिर बढ़ा हुआ है, 18-19 पर फिर बढ़ गया है, और 19-20 पर फिर बढ़ गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा तीसरा कथन है ये गलत कथन है, और इस तरीके से आप ऑप्शन डी और ऑप्शन सी काट देंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति नहीं रही है, सेवा क्षेत्र में प्रवृत्ति हमेशा बढ़ती ही रही है, मौद्रिक मूल्य उसकी हमेशा बढ़ती रही है। तो अब आते हैं दूसरे प्रवृत्ति पर कि उद्योग क्षेत्र की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ने की रही है। तो जरा हम देखते हैं उद्योग क्षेत्र कहाँ दिख रहा है, तो इस ऑरेंज कलर की बिल्डिंग पर आपको देखने को मिलेगा, और ठीक इसी इमेज पर आधारित आप कृषि क्षेत्र की जानकारी भी देख लें। सही उत्तर के तौर पर हमें केवल 1 और 2 मिलेगा, क्योंकि हमारा जो तीसरा कथन है वो गलत है, कृषि क्षेत्र की प्रवृत्ति जरूर उतार चढ़ाव की रही है। आप इस इमेज पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से कृषि क्षेत्र की प्रवृत्ति हमें बढ़ती घटती वाली यहाँ पर दिख रही है, और उद्योग क्षेत्र की प्रवृत्ति हमेशा हमको बढ़ते हुए ही दिख रही है। तो इस प्रकार से आप सही आंसर तक पहुँच चुके। तो चलिए अब हम इसी पर आधारित अन्य जानकारी देखते हैं, और अब क्षेत्रवार भागीदारी देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा था कि आप लोगों ने मौद्रिक मूल्य के आधार पर क्षेत्रवार भागीदारी देख ली। अब आपको जो भागीदारी यहाँ पर दिखेगी वो प्रतिशत के आधार पर दिखेगी, कुछ इस प्रकार से। टोटल जीएसडीपी पर 19-20 वर्ष के लिए जो कृषि क्षेत्र की भागीदारी दिख रही है वो 16.81% है, फिर दिख रही है आपको 46.19 उद्योग क्षेत्र की, और 37% दिख रही है सेवा क्षेत्र की। ये तीनों भागीदारी आपको स्थिर भाव पर दिख रही है, तो ये भी क्लियर आप रखेंगे कि स्थिर भाव पर ये बात हो रही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा भागीदारी हमें यहाँ पर उद्योग क्षेत्र की देखने को मिलेगी, सेकंड नंबर पर जो प्रतिशत भागीदारी देखने को मिल रही है वो हमें सेवा क्षेत्र की, और अंतिम जो हमें भागीदारी का प्रतिशत देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है कृषि क्षेत्र पर। तो चलिए इस पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस पर भी हम नज़र डालते हैं। वर्ष 2019-20 अग्रिम अनुमान पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि हिस्सा है, तो ये तो आपको पता है कि 16.81%। तो चलिए सही ऑप्शन के तौर पर बहुत ही इजीली आप पहुंच गए कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से और प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है, तो ये आपको अगला प्रश्न दिखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको मिलता है कि विगत 3 वर्षों के आधार पर के संदर्भ में राज्य सकल घरेलू उत्पाद के स्थिर भाव पर प्रतिशत
हिस्सा प्रवृत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो अगला ट्रेंड है, अब यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है वो इन तीन वर्षों के आधार पर पूछा जा रहा है, 2017-18, 2018-19 और 2019-20। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये अलग अलग कथन। तो पहला यहाँ पर आपको क्षेत्र और फिर उसके बाद प्रवृत्ति दी गई है। पावर पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो गया लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। एक कॉलम पर क्षेत्र है और दूसरे कॉलम पर उन विभिन्न क्षेत्रों की प्रवृत्तियाँ दर्शाई जा रही है। तो कृषि क्षेत्र की प्रतिशत भागीदारी के आधार पर क्या उतार चढ़ाव की रही है क्या? तो कृषि क्षेत्र पर अगर आप देखें तो 2017-18 पर ये 16.62% था और उसके बाद ये बढ़ा 17.13% के साथ और फिर उसके बाद ये घटा। तो मतलब कृषि क्षेत्र की प्रवृत्ति हमें उतार चढ़ाव की देखने को मिल रही है विगत तीन वर्षों के आधार पर। अब उद्योग क्षेत्र की अगर आप भागीदारी देखें तो 2017-18 पर ये 47.09% आपको देखने को मिल रहा है और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ यहाँ पर घटने की भागीदारी दिख रही है प्रतिशत के आधार पर। और फिर उसके बाद अगले वर्ष हम देखें अर्थात 19-20 में तो भी यहाँ पर कुछ घटने की प्रवृत्ति दिख रही है। तो इस हिसाब से बी का जो प्रवृत्ति है वो घटने की प्रवृत्ति रही है। और वहीं अगर सेवा क्षेत्र की हम भागीदारी देखें 2017-18 में उससे कुछ यहाँ पर आपको इजाफा होता हुआ दिखेगा और उससे इजाफा होते हुए अगले या फिर अंतिम वर्ष 2019-20 पर देखने को मिलेगा। तो सेवा क्षेत्र की प्रवृत्ति विगत तीन वर्षों के संदर्भ में बढ़ने की रही है। तो ऑप्शन के तौर पर हम यहाँ पर देखें तो कूट कहता है ए 1, 2, 3। तो सही ऑप्शन आपको पता है कि ऑप्शन ए आ चुका है, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, विगत पाँच वर्षों के आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है प्रवृत्तियों पर और विगत तीन वर्षों के आधार पर भी प्रश्न पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम और कुछ यहाँ पर अब अगले इमेज पर नज़र डालें। तो अगला इमेज किस पर आधारित है? तो जितने भी आपने वर्ग देखे अलग अलग उन वर्गों को अब और सब कैटेगराइज किया जा रहा है। अर्थात जो आपने कृषि क्षेत्र देखा था इस कृषि क्षेत्र के विभिन्न वर्गों को बांटकर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जैसे कि हमको ये पता है कि कृषि क्षेत्र की कुल यहाँ पर जो भागीदारी रही प्रतिशत के आधार पर वो 16.81% रही। उसमें से फसलों की कितनी प्रतिशत भागीदारी है तो ये हमको दिख रहा है 10.19। फिर उसके बाद पशुपालन पर 1.63 और फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री या वन उद्योग पर 2.91, मछली उद्योग 2.07 और फिर उसके बाद हमें खनन उत्खनन पर देखने को मिल रहा है 11.72%। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर रखें कि जब भी आप प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन जब कृषि क्षेत्र कहेंगे तो कृषि क्षेत्र पर खनन उत्खनन शामिल नहीं होता, ये उद्योग क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। तो कृषि क्षेत्र में कौन कौन से चीज़ आते हैं? तो फसलें आती हैं, पशुपालन आता है, वन उद्योग आता है, मछली उद्योग आता है, तो ये कृषि क्षेत्र के हिस्से बनते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं? तो हम देखते हैं प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत विवरण स्थिर भावों पर सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र में वर्ष 2019-20 पर है। तो प्राथमिक क्षेत्र आपको दिख रहा है और अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी होगी प्राथमिक क्षेत्र पर। तो आपके सामने ऑप्शन है खनन तथा उत्खनन, ऑप्शन बी है फसलें, ऑप्शन सी है पशुपालन और ऑप्शन डी है मछली उद्योग। तो सही ऑप्शन के तौर पर आप यहां पर देख रहे होंगे 11.72% और वो किसका है? तो वो है खनन उत्खनन का। तो सही ऑप्शन मिलता है हमें ऑप्शन ए। तो अगर आपसे प्राथमिक क्षेत्र पूछा गया है तो आप खनन उत्खनन को कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर आपसे कृषि क्षेत्र पूछा गया है तो आप इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो चलिए इस पर आधारित हम अगला जानकारी देखते हैं और ये उद्योग क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। तो द्वितीयक क्षेत्र पर पहले हम क्या प्रतिशत भागीदारी है वो देख लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर चलेंगे। तो आपको ये पता है कि उद्योग क्षेत्र की कुल यहाँ पर प्रतिशत भागीदारी हमें 46.19% देखने को मिल रही है, जिसमें से 15.34% विनिर्माण का है। फिर उसके बाद आपको विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति पर 9.08 दिखेगा और निर्माण का दिखेगा आपको 10.05। तो सबसे ज़्यादा भागीदारी बेशक किसकी है? तो वो सबसे ज़्यादा भागीदारी हमें देखने को मिल रही है विनिर्माण क्षेत्र की उद्योग समूह पर, और ये सही ऑप्शन आपको मिलता है ऑप्शन ए पर। एरो थोड़ा सा ऊपर हो चुका है बट ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हमें मिल चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से सेवा क्षेत्र की जानकारी भी देख लेते हैं।
सेवा क्षेत्र की भागीदारी हमने देखी 37% और उसके बाद उसके इस सारे यहाँ पर वर्गों की प्रतिशत आपको भागीदारी दिख रही है अलग अलग वर्गों के। तो क्वेश्चन देखें अगर हम तो वर्ष 2019-20 पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत विवरण स्थिर भाव में निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये खैर सेवा क्षेत्र पर आधारित नहीं है लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों पर आधारित है। तो आपको यहाँ पर सही जवाब खोजने पर ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने इन सारे चीज़ों को अब तक याद कर लिया है कि कृषि क्षेत्र पर 16.81% है, उद्योग पर 46.19% है और सेवा पर है ये 37% और सही ऑप्शन है ऑप्शन ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इस प्रकार की कहानी पर नज़र डालते हैं कि क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि। तो अब आप लोगों ने अभी तक क्या देखा तो उसको हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि GSDP की मौद्रिक मूल्य दो तरीकों से निकाली जा सकती है, एक होती है स्थिर भाव पर, एक होती है प्रचलित भाव पर। और फिर स्थिर भाव पर हमने क्या देखा उसकी मौद्रिक मूल्य, और मौद्रिक मूल्य के बाद हमने देखा मौद्रिक मूल्य का क्षेत्रवार यहाँ पर भागीदारी, और फिर उसके बाद क्षेत्रवार भागीदारी हमने देखा प्रतिशत के आधार पर। अब हम प्रतिशत वृद्धि देखने वाले हैं अलग अलग क्षेत्रों की किस प्रकार से। तो चलिए हम देखते हैं कि ये आपके सामने कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र है और ये आपको दिख रहा होगा 2015-16, 2016-17, 2017-18, 18-19 और 19-20 ये 5 वर्षों का आपको यहाँ पर विवरण दिया गया है। अब इस पर किस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो पहले प्रश्न पर हम नज़र डालते हैं कि छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर किस वर्ष कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर जो हुई है, सर्वाधिक प्रतिशत किस पर कृषि क्षेत्र पर। तो आपके सामने यहाँ पर कृषि क्षेत्र दिख रहा होगा और आप देख रहे होंगे कि 2018-19 की ये जो बिल्डिंग है कृषि क्षेत्र की इसमें 10.28% की वृद्धि रही है, लेकिन अगर आप 16-17 पर देखेंगे तो ये प्रतिशत वृद्धि आपको 21.28% देखने को मिल रही है। तो सर्वाधिक वाला साल जो है हमको दिख गया कि वो है 2016-17। तो सही ऑप्शन खोजते हैं और सही ऑप्शन हमें मिल जाता है ऑप्शन ए वर्ष 2016-17। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद इस क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि की कहानी हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं 2019-20 पर कि क्या कह रही है। तो कृषि क्षेत्र पर अगर आप देखें प्रतिशत वृद्धि तो 2019-20 की है ये 3.31%, फिर उद्योग क्षेत्र पर आपको देखने को मिलेगा 4.94% और सेवा क्षेत्र पर आपको प्रतिशत वृद्धि देखने को मिल रही है 6.62%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। देखिए इकोनॉमिक सर्वे कवर करने का ये जो तरीका है ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि हम किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन के आधार पर हम कवर करें, क्योंकि क्वेश्चन हमें इस तरीके से तैयार करने होंगे कि वो CGPSC के पैटर्न पर आधारित हो और उस पैटर्न को समझकर हम महत्वपूर्ण आंकड़ों पर आधारित प्रश्न का निर्माण करें और सही उत्तर खोजते हुए हम ये सारी चीज़ें याद कर लें, क्योंकि इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप फैक्ट याद करते करते आप क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझ पाएंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कि आपको अंदाज़ा होता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसी भी प्रकार के आंकड़ों पर। तो चलिए प्रश्न यहाँ पर कहता है कि क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। एक और पैटर्न आ सकता है असत्य कथन का, तो ये सत्य असत्य दोनों आप देखेंगे। कथन एक कहता है कि विगत 3 वर्षों में कृषि क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि दर में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है। तो आपके सामने 2017-18 से 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित ये प्रश्न दिख रहा है कि विगत 3 वर्षों पर ये पूछा गया है पहले कथन पर। दूसरा कथन कहता है कि विगत 3 वर्षों में उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि दर में निरंतर बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है। और फिर तीसरा कथन कहता है कि विगत 3 वर्षों में सेवा क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि में निरंतर घटने की प्रवृत्ति देखी गई है। तो चलिए देखते हैं कि कृषि क्षेत्र पर अगर आप देखें तो 17-18 पर -9.51% का ग्रोथ था, सूखा पड़ा था इस साल पर इसलिए नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला था, फिर ये हमें बढ़ता हुआ दिखता है और फिर इसकी तुलना पर 19-20 पर यह घटता हुआ दिखता है। तो उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है, मतलब ये कथन एक सही है। हम उद्योग क्षेत्र पर देखें तो 7.52% है 17-18 पर, फिर हमें ये घटता हुआ दिखता है और उसके बाद फिर ये घटता हुआ दिखता है 2019-20 पर।
तो प्रतिशत वृद्धि दर में निरंतर बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कथन कहता है कि सेवा क्षेत्र में निरंतर घटने की प्रवृत्ति देखी गई है, तो क्या ऐसा है क्या? तो चलिए देखते हैं कि घटा है 2017-18 के बाद, और फिर उसके बाद 19-20 में पिछले साल की तुलना पर फिर से यहाँ पर घटने की प्रवृत्ति दी गई है, मतलब हमें ये कथन भी सही देखने को मिलता है। तो ऑप्शन हमारे सामने क्या क्या है कि केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो सही, और फिर उसके बाद एक और तीन सही। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, जहां पर एक और तीन को सही कहा गया है, और ये हमें मिलता है ऑप्शन डी पर, और सही उत्तर आपके सामने आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य जानकारी पर नज़र डालते हैं। अब ये प्रतिशत वृद्धि अलग अलग उद्योग समूह को विभाजित करके दिया गया है, तो आपके सामने पर यहाँ पर कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र के अलग वर्ग हैं, और उसके बाद उनकी प्रतिशत वृद्धि भी यहाँ पर देखी गई है। तो चलिए प्रश्न पर आते हैं और फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं। देखिए, टू द पॉइंट रखने का प्रयास कर रहा हूँ मैं इस वीडियो को, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा अगर इसमें हम थोड़ा भी इधर उधर निकल गए तो इधर उधर ना निकलें तो हमारा जो टाइम होगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से समाप्त होगा। एक चीज़ और भी याद रखें कि आपको आई बटन पर जाकर पहले स्थिर भाव और प्रचलित भाव की अवधारणा को क्लियर कर लेना है। अगर क्लियर है तो वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, और क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जब तक लिख कर बताएंगे नहीं, मैं जानूंगा नहीं। और उसमें से कई ऐसे छात्र हैं जिनको मैं अब पहचानने लगा हूँ उनके सही उत्तर के द्वारा, तो मैं उनसे हमेशा अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर अपेक्षित कर रहा हूँ, तो आप मेरी अपेक्षा या मेरी उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो चलिए अब देखते हैं कि कितना आप मेरे साथ भिड़कर इस आर्थिक सर्वेक्षण को समाप्त करते हैं। तो चलिए, प्रश्न कहता है कि वर्ष 2019-20 में कृषि क्षेत्र, किसके बारे में? कृषि क्षेत्र में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि स्थिर भाव में सर्वाधिक किसका है? तो चलिए, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक हमें यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रही है किसकी, और ये देखने को मिल रही है पशुपालन की। तो ऑप्शन अगर हमारे सामने आएंगे तो हम पशुपालन को टिक कर देंगे, और ऑप्शन सी हमें दिख रहा है पशुपालन, और ये हो गया इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और फिर ठीक इसी प्रकार से हम प्रतिशत वृद्धि दर के आधार पर उद्योग क्षेत्र को भी समाप्त करते हैं। आपके सामने उद्योग क्षेत्र के यहाँ पर वर्ग दिए हैं और उनके प्रतिशत वृद्धि भी दी गई है, जिसमें से हमें सर्वाधिक किसका देखने को मिल रहा है, निर्माण क्षेत्र का 5.95% के साथ। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो इसमें भी आपको जो पूछा गया है वो सर्वाधिक पूछा गया है किसका, तो ये द्वितीयक क्षेत्र का पूछा गया है। तो द्वितीयक क्षेत्र का जब आपसे पूछा जाएगा तो चलिए हमारे सामने निर्माण ऑप्शन सी यहाँ पर सही ऑप्शन मिल गया कि इसमें सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर देखने को मिल रही है, और वह कितना है, 5.95%। न्यूनतम किसकी दिखेगी, तो ये हमें दिखेगी विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति। तो इस प्रकार से भी आप सर्वाधिक के साथ साथ में न्यूनतम वाले चीज़ों को भी याद रखेंगे। देखिए, देखकर लग रहा होगा कि बहुत सारे फैक्ट को याद करना है, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूअसली एक एक करके धीरे धीरे अगर आप इसको कवर करते जाएंगे तो रिवीजन ज़रूर आपको करना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले, लेकिन आप बहुत अच्छी स्थिति पर हो जाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम ठीक इसी प्रकार का पैटर्न देखते हैं सेवा क्षेत्र पर, और हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न आ चुका है कि सेवा क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि दर पर एकदम सिंपल सा, तो ये क्या है, 6.62% है कि 5.27% है कि 16.39% है कि 9.65% है, तो कितना है ये परसेंटेज? तो ये सेवा क्षेत्र पर हमें परसेंटेज दिख रहा है 6.62%, और सही ऑप्शन है 6.62, मतलब सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं अब प्रचलित भाव के आंकड़ों पर। तो इस पर जाने से पहले कुछ आप लोगों से बात कर लूँ। देखिए, कई लोगों का प्रश्न ऐसा आ रहा है कि सर क्या ACF के लिए इकोनॉमिक सर्वे कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है? तो देखिए, ये CGPSC क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और CGPSC ने आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर प्रश्न पूछे हैं, तो इसलिए हमें इसे तैयार करना होगा। साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रख लें कि नई सरकार बनने के बाद ये सबसे पहला आर्थिक सर्वेक्षण था, तो इस समय जो भी आपको आंकड़े यहाँ पर दिख रहे हैं वो उसमें नई सरकार की उपलब्धियाँ भी शामिल हैं। तो अब CGPSC इस पर प्रश्न पूछ सकता है, बाकी अल्टीमेटली वो तो क्वेश्चन पेपर आने के बाद ही चीज़ें समझ पर आती है, तो इतना लॉजिकल वे पर मैं आप लोगों से अंडरस्टैंडिंग अपेक्षित कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और आप एकदम इत्मीनान से वीडियोस को देखते रहें ACF के एग्ज़ाम के पहले ही,
कुछ ही दिनों पर ये सारे इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर कवर कर दिए जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। इकोनॉमिक सर्वे को लेकर आप बिल्कुल भी अपने मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें मत खींचिए, मैं उसके लिए यहाँ पर आपके साथ बना हुआ हूँ। बस आप लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके का काम हमेशा करता रहूँ। और इसे जब आप शेयर करेंगे तो आपका भला होने के साथ साथ में अन्य लोगों का भी भला होगा और पुण्य कमाने से ही आपको लाभ मिलेगा, तो थोड़ा पुण्य भी कमाते चलिए। और हर वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि जिस परेशानियों से या जिस प्रतिकूल परिस्थितियों से वो जूझा है उसके साथ ही ना जूझे, तो वो इस वीडियो को जरूर शेयर करेगा। और अगर आप निस्वार्थ तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका जो लक्ष्य है वो आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला भी आपको सुनता रहेगा। तो चलिए प्रचलित भाव पर हम फैक्ट यहाँ पर देखते हैं और फिर आते हैं क्षेत्रवार भागीदारी, लेकिन पहले क्या है मौद्रिक मूल्य के आधार पर समझते हैं। ये हमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की मौद्रिक मूल्य पर जानकारी दिख गई। हमें टोटल वैल्यू GSDP की पता थी, जो कि थी 3.29 लाख करोड़। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो यहाँ पर हमें फिर से देखने को मिल रहा है कि उद्योग क्षेत्र का है। तो स्थिर भाव पर भी और प्रचलित भाव पर भी सबसे ज़्यादा मौद्रिक मूल्य भागीदारी हमें देखने को मिलती है उद्योग क्षेत्र की। तो ये आप क्लियर करे रखे रहेंगे कि दोनों में ये सिमिलैरिटी है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र की है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी खोजने पर कि सही ऑप्शन क्या होगा, और वो होगा ऑप्शन बी, उद्योग क्षेत्र। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर क्षेत्रवार भागीदारी हम देखते हैं मौद्रिक मूल्य का। तो यहाँ पर आपको प्रतिशत के आधार पर कृषि क्षेत्र का दिख रहा होगा 22.07%, जो कि स्थिर भाव पर कितना था 16.81%। उद्योग क्षेत्र का आपको देखने को मिल रहा है 41.08% और सेवा क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है 36.85%। प्रश्न आपके सामने मैच द फॉलोइंग के तौर पर यहाँ पर है और आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं इस इमेज के साथ में कि कृषि क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का और सेवा क्षेत्र का दोनों सब का उसके सामने ही यहाँ पर सिमिलैरिटी दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन हमें क्या मिलेगा, तो सही ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन ए का 1, B का 2, C का 3। देखिए मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ए का 1 तक पहुँच गए तो बाकी सारे ऑप्शन पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन पर है और यह है ऑप्शन ए पर, और सही जवाब हमारा ऑप्शन ए बन जाता है। तो अगर आप मैच द फॉलोइंग सॉल्व करते हैं तो जब भी आप मिलान करें किसी भी एक पक्ष का दूसरे पक्ष से और आपको एक ही पक्ष का सही मिलान मिल जाता है, तो आप तुरंत ऑप्शन पर चले आए और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का भी प्रयास कर सकते हैं, अगर आपके पास जानकारी सीमित है तो। आगे बढ़ते हैं और क्षेत्रवार भागीदारी प्रतिशत में देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों की भागीदारी क्या है। हमें पता है कि कृषि क्षेत्र का 22.07% है, फसलों का हमने यहां पर देख लिया, पशुपालन का देखा हमने, और फिर उसके बाद ठीक इसी प्रकार से सारे वर्गों का भी यहाँ पर प्रतिशत भागीदारी दिख रहा है। ऑप्शन के तौर पर प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी किसका है, तो आप यहाँ पर डिससिमिलैरिटी देख रहे होंगे, स्थिर भाव पर कुछ और था और प्रचलित भाव पर कुछ और है। तो चलिए ऑप्शन पर हम चलते हैं कि फसलें, फिर मछली उद्योग और फिर उसके बाद खनन तथा उत्खनन और ऑप्शन डी, पशुपालन। तो सही ऑप्शन मिलता है हमें प्रचलित भाव पर फसलों की। ऐसा क्यों है, स्थिर भाव पर फसल क्यों नहीं था, तो इसके पीछे कारण कहीं मुद्रा स्फीति तो नहीं है, इसके पीछे कारण कहीं खाद्य क्षेत्र पर इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से हमें स्थिर भाव पर वो वृद्धि दर नहीं देखने को मिला जो प्रचलित भाव पर देखने को मिल रहा है। अगर आप आई बटन पर जाकर स्थिर भाव और प्रचलित भाव की अवधारणाओं से रूबरू हो चुके होंगे तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी भी एक चीज़ पर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आएगा तो उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा वो बढ़ता हुआ दिखेगा, भले उत्पादन क्या हो कम रह जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद ठीक इसी प्रकार से हम उद्योग क्षेत्र को भी समाप्त करते हैं। उद्योग क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा भागीदारी यहाँ पर निर्माण क्षेत्र की दिख रही है। तो यहाँ पर भी आपको प्रश्न द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक भागीदारी की अगर पूछी जाए तो आप एक बार में पहुँच जाएंगे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर भागीदारी निर्माण क्षेत्र की है, इसलिए सही ऑप्शन के तौर पर हम चुनते हैं ऑप्शन बी, निर्माण क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम सेवा क्षेत्र को तरफ बढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र की भागीदारी आप यहां पर देखे हैं कि 36.85%। चलिए प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सेवा क्षेत्र की प्रतिशत भागीदारी, तो सेवा क्षेत्र की भागीदारी ही आपसे पूछी जा रही है।
तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है 30.27%, ऑप्शन बी है 36.85%। तो हमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन या ऑप्शन बी सही उत्तर मिल चुका है, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी आप एक बार देख लें, क्योंकि आवश्यकता से अधिक वीरता वीरगति का कारण होती है, इसलिए सभी ऑप्शन को देखना अपने आदत में शुमार ज़रूर कर लें। तो सही ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ऑप्शन बी 36.85%। भले आपको ऑप्शन ए सही मिल जाए, ऑप्शन बी सही मिल जाए, लेकिन आप अपने आदत में ये बना कर रखें कि सारे ही ऑप्शन को एक बार आप देखेंगे ज़रूर, ताकि गलती की संभावना एकदम न्यूनतम हो जाए, एकदम मिनिमम हो जाए। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं प्रतिशत वृद्धि। तो जिस प्रकार से हमने स्थिर भाव पर अलग अलग वर्गों की प्रतिशत वृद्धि देखी थी, ठीक उसी प्रकार से हम प्रचलित भाव पर अलग अलग वर्गों की प्रतिशत वृद्धि देखने वाले हैं। हमारे सामने यहाँ पर कृषि क्षेत्र पर प्रतिशत वृद्धि देखने को मिल रही है 12.10%, उद्योग की दिख रही है 5.51 और फिर उसके बाद दिख रही है सेवा क्षेत्र की 9.35%। इसके प्रश्न पर जाने से पहले एक बात और आपसे कर लूं कि कई लोगों को ये पूछना है कि आगामी जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, उस मेंस के एग्ज़ाम में कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है, 2018-19 का या 2019-20 का। देखिए, इतना ज़्यादा चीज़ आप नहीं पढ़ सकते कि आप दो दो साल के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को एकदम याद करें, तो उतना ये फिजिबल नहीं होगा। तो 2019-20 के आप आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को पढ़ें, क्योंकि जितने भी मतलब के आंकड़े होंगे वो आपको मिल जाएंगे और सबसे लेटेस्ट वाला भी यही है। तो आप अपने आंसर पर जब लेटेस्ट फैक्ट डालेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, और लेटेस्ट फैक्ट आपको 2019-20 पर देखने को मिलेगा, ना कि 18-19 पर। फिर कई लोगों का प्रश्न है कि क्या आगामी प्रीलिम्स जो होगा, क्या उसमें हमें ये आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े याद रखने हैं? तो उसके लिए भी जवाब है हाँ, कि आगामी प्रीलिम्स तक आपको यही आंकड़ों को याद रखना है। जितने भी एग्ज़ाम होंगे अभी राज्य में, उसमें आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का ही याद करना है। आगामी मेंस मतलब अगले साल के मेंस, ये कमिंग मेंस नहीं, उसके अगले साल जो मेंस आएगा उस टाइम आपको जो अगला आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना पड़ेगा, ये वाला फिर उसके बाद उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2019-20 पर प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत वृद्धि को सुमेलित करें। मैच द फॉलोइंग करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है तो कृषि क्षेत्र का हमने देखा 12.10%, उद्योग क्षेत्र का देखा 5.151 और सेवा क्षेत्र का देखा 9.35%। तो सही ऑप्शन क्या मिलेगा हमें, ए का वन। तो ए का वन कहाँ पर है, वो है हमारा ऑप्शन बी पर। तो बाकी सारे ऑप्शन को आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, और एलिमिनेट करते ही आप सही ऑप्शन तक पहुँच गए और वो है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद प्रतिशत वृद्धि के इस बार ग्राफ पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि प्रचलित भाव पर उद्योग क्षेत्र की प्रतिशत वृद्धि दर किस वर्ष ऋणात्मक रही है, नेगेटिव रही है, किसकी, उद्योग क्षेत्र की। उद्योग क्षेत्र किस कलर से शो हो रहा है, तो ये शो हो रहा है आपका ऑरेंज कलर से। तो नेगेटिव ग्रोथ रेट आपको कब देखने को मिल रहा है, तो ये दिखने को मिल रहा है 2015-16 पर। और सर्वाधिक आपको अगर पूछे तो सर्वाधिक कब दिख रहा है, तो 2017-18 पर। तो सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखें, तो न्यूनतम यहाँ पर जाहिर सी बात है कि नेगेटिव पर है, इसलिए 2015-16 वाला रहेगा। तो सही ऑप्शन क्या है, 2015-16 ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं कि प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुई, उद्योग क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर 2015-16 में प्राप्त हुई, कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुई। तो पीछे दिए गए इमेज के आधार पर आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा और वो है ऑप्शन सी 2 और 3, क्योंकि कृषि क्षेत्र पर जो हमें सर्वाधिक वृद्धि दर देखने को मिली वो 2016-17 में नहीं थी, 2017-18 में थी। तो इसलिए ऑप्शन ए मतलब कथन एक आप गलत करते ही आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन पर एक दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि के आधार पर अलग अलग यहाँ पर वर्गों की प्रतिशत वृद्धि है। तो प्रश्न कहता है कि छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि प्रचलित भाव पर प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक किसकी रही है। तो कृषि क्षेत्र का आप देख रहे हैं 12.37%, लेकिन पशुपालन पर आप देख रहे हैं 20.35%। ऐसा किस, तो सही ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, सही ऑप्शन मिलेगा पशुपालन, जो कि है ऑप्शन बी पर। आगे बढ़ते हैं और ठीक इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र को भी समाप्त करते हैं कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी निर्माण क्षेत्र की। तो अगर प्रश्न सर्वाधिक पर आए, सर्वाधिक वृद्धि दर किस पर दर्ज की गई है द्वितीयक क्षेत्र पर,
तो सही ऑप्शन जहां पर आपको निर्माण दिखेगा वहां पर आप टिक कर देंगे कि निर्माण पर हमें सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर देखी जा रही है प्रचलित भाव पर। सेवा क्षेत्र पर आ चुका है, सेवा क्षेत्र पर हम देखें कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है संचार एवं प्रसारण सेवा से संबंधित जो भी यहाँ पर सेवा क्षेत्र होंगे। चलिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न यहाँ पर क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद में गत वर्ष में प्रतिशत वृद्धि रही है सेवा क्षेत्र में प्रचलित भाव पर। तो ठीक जैसा सेवा क्षेत्र का हमने स्थिर भाव पर देखा था प्रश्न, वैसा ही प्रचलित भाव पर हम देखते हैं और हमें दिखता है कि 9.35% की ग्रोथ रेट के साथ में 2019-20 पर सेवा क्षेत्र बना हुआ है और सही ऑप्शन है यहाँ पर 9.35 अर्थात ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय से संबंधित बात देख लेते हैं जो कि अंतिम टॉपिक है इसका। तो प्रति व्यक्ति आय होता क्या है, पर कैपिटा इनकम होता क्या है और पर कैपिटा इनकम किसी भी राष्ट्र किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे बेहतर सूचक क्यों होता है। आसान शब्दों में कहूँ कि तो किसी भी देश या राज्य में अमीरी आ रही है, लोगों का जीवन का स्तर बेहतर हो रहा है, ये अगर जानना है तो प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है। ऐसा क्यों, ये आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएंगे कि प्रति व्यक्ति आय ही सबसे बेहतर सूचक क्यों माना गया है। तो प्रति व्यक्ति आय जब आसान शब्दों में कहा जाए तो एक प्रकार से औसत होता है। औसत आपने गणित में पढ़ा होगा कि सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। और यहाँ पर आप पर कैपिटा इनकम के जब इक्वेशन को देखें तो आप एनएनपी या जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन देखते हैं। तो जो ये मौद्रिक मूल्य होता है जीडीपी या एनएनपी का वो सम है और डिवाइडेड बाय यहाँ पर पॉपुलेशन अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो उसके बाद जो मौद्रिक मूल्य मिलेगा वो प्रति व्यक्ति आय होगा या फिर आप कह सकते हैं कि राज्य के सभी लोगों को जनसंख्या के सभी लोगों को बराबर बराबर कितना विभाजित किया गया है कुल मौद्रिक मूल्य से। तो ये मौद्रिक मूल्य या ये जो सम है वो अलग अलग आधार पर लिया जा सकता है। तो जैसे कि पहले अगर हम देखें तो जीएसडीपी के आधार पर या सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आधार पर जो लिया गया है वो क्या है, तो प्रचलित भाव पर हमें यह मौद्रिक मूल्य देखने को मिलता है 1,12,000। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो टोटल पॉपुलेशन होगी उसमें हर एक व्यक्ति साल भर में 1,12,000 रुपए कमा रहा है प्रचलित भाव पर। आपको कमेंट सेक्शन पर यह भी बताना है कि हम जनसंख्या कौन सा लेते हैं प्रति व्यक्ति आय पर, अभी मौजूदा जनसंख्या ली जाती है या फिर जनगणना 2011 के आधार पर जनसंख्या ली जाती है, तो ये आप कमेंट सेक्शन पर मुझे बताएंगे। प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि है प्रति व्यक्ति आय की 6.54%, स्थिर भाव पर है 83,075 रुपये और प्रतिशत वृद्धि हमें देखने को मिल रही है 3.64%। आप ये भी मुझे बताएंगे कि क्यों प्रचलित भाव का मौद्रिक मूल्य हमेशा स्थिर भाव से ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों हो जाता है कि प्रतिशत वृद्धि हो चाहे मौद्रिक मूल्य हो स्थिर भाव का वो हमेशा प्रचलित भाव से कम ही देखने को मिलता है। तो इस पर आधारित प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रश्न क्या कहता है कि प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा है किसके आधार पर, तो 2019-20 के आधार पर पूछा जा रहा है और उसके आधार पर अलग अलग जो कथन दिए गए हैं उस पर हमको सत्य कथन का चयन करना है। प्रचलित भाव पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय का मूल्य 1,12,318 रुपये है, ये सही कथन है। स्थिर भाव पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 6.54% प्रतिशत वृद्धि है, तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि स्थिर भाव पर प्रतिशत वृद्धि हमने देखी है 3.64%। प्रचलित भाव पर अगर हम देखें तो प्रचलित भाव पर जो वृद्धि दर दी गई है 3.64, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि है 6.54%। तो सिर्फ हमें कथन एक सही देखने को मिलता है और सही ऑप्शन मिलता है ऑप्शन सी, केवल एक सही। अब जिस प्रकार से आपने मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद को लिया है ठीक उसी प्रकार से एनएसडीपी के आधार पर भी प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है जिसे आप नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे या फिर निवल राज्य घरेलू उत्पाद कहेंगे। जीएसडीपी से जब मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन के मौद्रिक मूल्य को घटा दिया जाता है तो तुलनात्मक रूप से जो ज़्यादा शुद्ध पिक्चर हमें देखने को मिलता है मौद्रिक मूल्य का या फिर राज्य के नागरिकों की आय का, तो वो हमें देखने को मिलता है एनएसडीपी पर जीएसडीपी की तुलना से। अब इस पर आधारित क्या यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, तो प्रति व्यक्ति आय आपको यहाँ पर 2014-15 से 2019-20 की अवधि तक दिया गया है, तो आपको याद रखना है 98,281 है एनएसडीपी के आधार पर। तो इस बिल्डिंग पर भी आप नज़र डाल लेंगे और ये बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी लगातार बढ़ते हुई। तो अगर प्रवृत्ति पर आधारित भी प्रश्न अगर आपसे पूछे तो आप उसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, फिर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों को मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है
और उस पर आधारित प्रश्न के पैटर्न भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले चैप्टर पर आधारित वीडियो आपके सामने जल्द उपलब्ध हो जाएगा। आप चिंता की लकीरें अपने मनस्पटल पर बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। तो चलिए फिर, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खुद को भी सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी और समाज को भी सुरक्षित करिए। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।